Very good morning, class. Today we will discuss story writing. Story writing discuss करेंगे हम आज thirsty crow. STORY story writing. Story writing thirsty crow. थर्स्टी क्रो मीन्स क्या होता है? प्यासा कौआ, प्यासे कौए पे आज हम स्टोरी राइटिंग, स्टोरी क्या, कहानी डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं थर्स्टी क्रो पे स्टोरी क्या हो सकती है. लेट्स स्टार्ट. ओपन योर ग्रामर नोटबुक, राइट डाउन फर्स्ट सेंटेंस. वंस देयर वॉज अ क्रो. Once there was a crow. एक बार क्या था? एक क्रो. यानी क्रो क्या होता है? कौआ. क्या था एक बार? Once there was a crow. एक बार एक कौआ था. It was very thirsty. वह क्या था? बहुत ज्यादा प्यासा था. Thirsty means क्या होता है? प्यासा. Once there was a crow, it was very thirsty. Third, it went here and there in search of water. It went here and there in search of water. वह पानी की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था. First line is once there was a crow. एक बार क्या था? एक कौवा था. It was very thirsty. वो क्या था? बहुत ज्यादा प्यासा था. It went here and there in search of water. वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसे क्या लगी थी? प्यास लगी थी, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था. नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस. एट लास्ट इट रीच्ड इन अ गार्डन. एट लास्ट इट रीच इन द गार्डन. वह कहां पहुंचा? लास्ट में कहां पहुंच गए? गार्डन यानी बगीचे में पहुंच गया. कौन पहुंचा? कौआ. उसको क्या दिखाई दिया वहां पे? पॉट दिखाई दिया. एक लिखेंगे फिफ्थ सेंटेंस. इट सॉ अ जग ऑफ वाटर इन द गार्डन. It saw a jug of water in the garden. उसे क्या दिखाई दिया? एक पानी का जग दिखाई दिया. किसको दिखाई दिया ये? उस कौवे को. किसको दिखाई दिया? उस कौवे को. वहां पर पानी का जग दिखाई दिया. It saw a jug या pot भी लिख सकते हैं. It saw a pot of water in the garden. But the water was very low. पानी क्या था? बहुत ज्यादा नीचे था. जो वो जग था या पॉट था उसमें पानी बहुत ज्यादा क्या था? नीचे की साइड था. 6-7 नंबर. उसे जग के पास में क्या दिखाई दिए? स्टोन्स दिखाई दिए यानी पत्थर दिखाई दिए. घड़े के पास में क्या दिखाई दिए उसे? पत्थर दिखाई. इट सॉ स्टोन्स नियर द जग. उसे घड़े के पास में, पॉट के पास में क्या दिखाई दिए? और टुकड़े दिखाई दिए पत्थर के. नेक्स्ट 8 नंबर. It put some
stones near the jug. It put some stones near the jug. वो जो stones रखे हुए थे वो उसके अंदर घड़े के अंदर उनको डालने लगा, उसको उनके अंदर डालने लग गया. किसके? वो जो पत्थर के टुकड़े रखे थे उनके अंदर. नेक्स्ट लाइन नंबर, द वॉटर रोज अप. द वॉटर रोज अप, पानी क्या हो गया? ऊपर आ गया. जैसे ही जग में उसने क्या डाला? पत्थर डाले, तो वो पानी क्या हो गया? ऊपर आ गया. नेक्स्ट इज द क्रो ड्रैंक. The crow drank the water and flew away. कौवे ने पानी पिया और वो उड़ गया. उसने अपनी पानी की प्यास बुझाई और वो उड़ गया. The crow drank the water and flew. अब एक कौवे ने पानी पिया और वो उड़ गया. मॉरल क्या होगा स्टोरी का? शिक्षा क्या मिली हमें स्टोरी से? देयर इज अ वेल देयर इज अ वे There is a way. जहां चाह है वहां राह है. सो स्टोरी क्या डिस्कस करी हमने? कैसे कौवे ने पानी पिया और वो उड़ गया. पानी पीकर उड़ गया. कैसे? उसे मेहनत करी ना. जहां चाह है वहां. वो सोच रहे था कि पॉट में पानी कम है तो वो वहां से जा भी सकता था, लेकिन उसने क्या डाला? स्टार्ट के पत्थर डाले और वो स्टोन डाले और वो पानी ऊपर आ गया और उससे अपनी प्यास को बुझाई. पानी जो पीना था उसको अपना मतलब जो प्यास लगी थी उसको उसने उसको बुझा ली. सो अगेन एक बार देखते हैं. वंस देयर वाज अ क्रो. एक बार एक कौवा था. इट वाज वेरी थर्स्टी. वह क्या था? बहुत ज्यादा प्यासा था. इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. वह पानी की तलाश में इधर से उधर क्या कर रहा था? घूम रहा था. इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ. पानी की तलाश में खोज रहा था क्योंकि उसे क्या लगी थी? प्यास लगी थी. At last it reached in the garden. और वो कहाँ पहुंच गया? एक बगीचे में पहुंचा. कौन पहुंचा? वो कौवा. उसको ढूंढते ढूंढते वो एक बगीचे में पहुंच गया. It saw a jug of water in the garden. उसने वहां पर एक जग दिखाई दिया, पानी का एक घड़ा दिखाई दिया. But the water was very low. लेकिन जो पानी था वो घड़े में पूरा नहीं भरा हुआ था. वो कितना था? थोड़ा ही पानी था उसके अंदर. तो it saw stones near the jug. उसने देखे कि जग के पास में काफी सारे स्टोन्स रखे हुए हैं. स्टोन्स क्या होते हैं? पत्थर. क्या होते हैं? पत्थर. इट पुट सम स्टोन्स नियर द जग. और उसने वो पत्थरों को जग के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया, मतलब डाल दिए. द वॉटर रोज अप, पानी ऊपर आ गया. द क्रो ड्रैंक द वॉटर एंड फ्लू अवे. क्रो ने उस पानी को पी लिया और वो वहां से उड़ गया. मॉरल, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ वे. जहां चाह है वहां रहा है. नाउ कंप्लीट योर स्टोरी राइटिंग. डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. थैंक यू. बाय बाय.